रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाजिम। लेक्चर नंबर 1 और 2 के साउंड और वॉइस प्रॉब्लम की वजह से हम इस सारे लेक्चर को लेक्चर नंबर 1 और 2 को एक बार फिर देखेंगे। वो वीडियोस भी मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ से वॉइस एरर की वजह से हम इसको दोबारा देख रहे हैं। तो इसमें हम डेफिनेशंस को देखेंगे तमाम को, और एक्सरसाइज 6.1 को भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास इस चैप्टर का नेम है बेसिक स्टैटिक्स, और ये डिपेंडेंट है टोटली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली अपने नेम से ही जाहिर है, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है तकसीम को कहते हैं। इसमें हम डेटा को किसी लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्लासेस में ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मेन टॉपिक है इसमें। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, के किसी भी डाटा को आप टेबुलर रेंज की अरेंजमेंट में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम करें। टेबल की मदद से, टेबल्स होंगे इसके अंदर, ग्रुप्स होंगे, क्लासेस होंगी, और हम डाटा को डिफरेंट तरीके से अरेंज करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। इसमें फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा हमारे पास कितनी होती हैं। दो तरह के डाटा होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। पहले हम बात करते हैं ग्रुप डाटा की। अगर ग्रुप डाटा समझ आ जाता है तो अनग्रुप डाटा उसी से मिलता जुलता ही है। ये मेरे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी पहले बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में जो चीज पहले मेन किरदार अदा करती है वो फ्रीक्वेंसी है। द अकरेंस ऑफ अ नंबर इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी डाटा के अंदर किसी नंबर का आना और बार बार आना, कितनी बार आना, उसको फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डाटा है, मैं डाटा 3323355, इस डाटा में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, 3-4 टाइम आ रहा है, और 5 मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, और 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है मेरे पास। फिर ग्रुप डाटा की बात करते हैं कि ग्रुप डाटा किस तरह का डाटा होता है। द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। आम अल्फाज में कि एक ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी का तस्करा किया जाए और जिसमें अकरेंस ऑफ नंबर हो, जिसमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, तो उस डाटा को ग्रुप डाटा का नाम देते हैं। और वो डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी का तस्करा ना हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात ना की जा रही हो, उसको अनग्रुप डाटा का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास देखते हैं किस तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप डाटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नंबर 2 कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द डाटा दैट कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तादाद जो है, अब जैसे कि स्टूडेंट्स की तादाद है, इस तादाद में हम तादाद का आधा, यानी कि यहाँ पर आधी अगर मैंने बताना हो, यानी हम बात करें स्टूडेंट्स की बात करें, जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपने उनको डेसिमल में बताना है, हाँ में बताना है, तो एक स्टूडेंट का आप आपको बता सकते हैं, तो उनको आधा नहीं किया जा सकता। सेम एज इट इज हम बात करेंगे टॉस की, कि हम सिक्के के जरिए टॉस करते हैं, जब 20 दफ़ा या 10 दफ़ा या 5 दफ़ा हम सिक्का उछालते हैं, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम अगर ये पूछें कि 5 दफ़ा सिक्का उछालने से कितनी बार हेड्स आएंगे, या 5 दफ़ा आएंगे, या 4 दफ़ा आएंगे, या 3 दफ़ा आएंगे, या 2 दफ़ा आएंगे, या 1 दफ़ा आएंगे, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 2.5 टाइम्स आएगा, 3.5 टाइम्स आएगा, 3.14 टाइम्स आएगा, एग्जैक्ट या 1 टाइम आएगा, या 2 टाइम, या 3-4 या 5 टाइम आएगा। मिसाल के तौर पर डिस्क्रीट डाटा इज नॉट अ कंटीन्यूअस, कभी भी कंटीन्यूअस नहीं होगा। मेरे पास जो 5 है ये डिस्क्रीट डाटा है, जबकि 3.265 की एग्जाम्पल मेरे पास कंटीन्यूअस रहता है। एक्चुअली ये डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस दोनों ग्रुप डाटा ही होते हैं। 5 का आंसर टास्क 20 टाइम एंड द नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड एट ई टास्क आर गिवन है। ये एग्जांपल है मेरे पास डिस्क्रीट डाटा की। इनमें 20 दफ़ा जब सिक्का उछालते हैं तो हेड्स कितनी बार है, पहली दफ़ा जब 5 को उछाला तो 3 दफ़ा हेड्स है, जब नेक्स्ट टाइम 5 को उछाला तो 4 टाइम हेड्स है, सेम एज आगे भी ऐसे है। अब हम डिस्क्रीट डाटा के टेबल को फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1 है आप उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को ऑब्जर्व करें। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा। उसके बाद
एट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन वेरिएबल कॉलम का मिनिमम टू मैक्सिमम, अगर मिनिमम वैल्यू शुरू हो 1 से और मैक्सिमम वैल्यू 10 तक, तो आप इसको तरतीब बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है। लेकिन अगर आपका डाटा ज्यादा है और मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है या 50 है, मीन्स कि ये बहुत ज्यादा नंबर है, तो आप इनको इस तरह से नहीं लिख सकते 1 2 3 4 5, आप इनके क्लासेस बना सकते हैं, आप इनके ग्रुप्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जब इनके ग्रुप्स बना लेने हैं तो फिर आपने रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशंस बाय यूजिंग टेलीमैक्स। अगर फर्स्ट कि आपने क्लास बना रखी है 1 टू 5, तो आप ये देखेंगे 1 और 5 के बीच कितने ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर आ रहे हैं, उनको हम टैली बार से या टैली मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। और टैली बार्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका कार है वो ये है कि अगर 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे डायगनल बार से हम लगाएंगे तो 5 हो जाएंगे आपके पास, 5 5 के आप सेट्स बना के लिखेंगे। काउंट द टैली मार्क्स एंड राइट द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम, फिर इनको काउंट करें और इनको फ्रीक्वेंसी कॉलम में इनको पैदा करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सवाल है, 5 कॉइंस आर टास्क 20 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ द हेड्स रिकॉर्डेड एज ई टास्क आर गिवन एज, तो मेरे पास ये 20 दफा जब सिक्के को उछाला गया, पहली दफा 3 हेड जाए, दूसरी दफा 4 हेड जाए, तीसरी दफा 2 हेड जाए, तो मैंने पहले रूल के मुताबिक सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू तलाश करी, तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो मैंने टेबल को शुरू करना है 1 से और एंड करना है 5 से। तो मेरे पास लिमिटेड नंबर है, 1 2 3 4 5 मैंने इसको लिख दिया। अगर मेरे पास नंबर्स होते हैं 1 से लेके 50 तक होते तो मैंने इनके ग्रुप्स बना देने थे, यानी 1 टू 10 या 1 टू 9, 1 टू 10 कर देना है, फिर 11 टू 20 कर देना है, फिर 21 टू 30 कर देना है, इसी क्लासेस बना देना है। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड है तो हमने इनको इसी फॉर्म में ही लिख दिया। मैंने अब देखना है कि 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, इस डाटा के मुताबिक मैं गौर से देख रहे हैं तो 1 मेरे पास 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3 दफ़ा आ रहा है, तो पहली बार से मैंने 3 बार बना दिया। फिर 2 को काउंट करेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 मेरे पास यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5 और फिर आगे 3 3 8 देखा, सेम एज 3 मेरे पास 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो ये 5 8 और 4 3 टाइम्स आ रहे हैं और 5 मेरे पास 1 टाइम आ रहा है, तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डाटा कंटीन्यूअस होता है आपके पास, उस कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डाटा हमारे पास टेबल में तो होता है लेकिन ग्रुप्स की शक्ल में होता है या क्लास की शक्ल में होता है, तो देखते हैं क्या तरीकेकार है। सबसे पहला स्टेप यह है कि आप उसकी रेंज फाइंड करें। रेंज फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी होगी, क्योंकि रेंज में इस्तेमाल होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। डिसाइड द नंबर ऑफ ग्रुप्स डिनोटेड बाय के, आप नंबर ऑफ ग्रुप्स की तादाद डिसाइड करेंगे कि कितने आपने ग्रुप्स बनाने हैं। एक्चुअली ये डिपेंड करता है रेंज के ऊपर, अगर रेंज ज़्यादा है तो ग्रुप्स की तादाद भी ज़्यादा होगी और अगर रेंज कम है तो ग्रुप्स की तादाद भी आपके पास कम होगी। डिटरमाइन द साइज ऑफ क्लास और उसको हम डिनोट करते हैं एज के साथ, और एज फाइंड करने का जो तरीका है वो है एज इज इक्वल टू रेंज ओवर के। रेंज आपके पास होगी, के आपने डिसाइड कर, रेंज ज़्यादा होगी तो के ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा लेंगे, रेंज कम होगी तो के भी आप कम लेंगे। इसमें एज के जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक इशू आता है कि हमारे पास आंसर डेसिमल में आने लगता है, 2.1 या 2.9 या 2.3, तो उसको कैसे हम डिसाइड नंबर कंप्लीट लेना है। उसके लिए मैं बताया गया द रूल ऑफ एप्रोक्सीमेशन इज रिलैक्स्ड इन डिटरमाइनिंग एज। फॉर एग्जांपल इफ एज इज इक्वल टू 7.1 और 7.9 देन इट विल बी इक्वल टू 8, यानी अगर वो 7 से थोड़ा सा भी ऊपर हो गया या वो 7.9 हो गया तो आप इसको 8 ही कंसीडर करेंगे। वैसे हम जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 7.1 को 7 लिखते हैं और 7.9 को 8 लिखते हैं, तो ये राउंड ऑफ नहीं है, ये एज फाइंड करने का रूल है यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का, कि अगर वो 7.1 है तो भी 8 ही होगा और अगर 7.9 है तो भी 8 ही होगा। उसके बाद आप स्टार्ट राइटिंग ग्रुप्स आर क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ द क्लास। आप मिनिमम से मैक्सिमम पे जाएंगे और साइज ऑफ क्लास को आप मेंटेन रखेंगे, ये लाजमी है। उसके बाद रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेटा बाय यूजिंग टेलीमार्क्स। ये तमाम बातें जो हम कर रहे हैं इनको हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं,
the total of frequency up to an upper class limit is called cumulative frequency. तो ये भी हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं. एग्जांपल है मेरे पास, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10. एज की वैल्यू आपको दी गई है, टोटल आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं, ये उनके मैथमेटिक्स में आने वाले मार्क्स हैं. हमने टेबल बनाने, सबसे पहले तरीकेकार वही कि आप इसकी मिनिमम वैल्यू तलाश करें. डेटा में मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 60 है, एज आपको दिया गया. हमने रेंज फाइंड करनी है. रेंज का फार्मूला होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम. एक्स जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट कर रहे होते हैं. मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है 60 और मिनिमम वैल्यू मेरे पास 2, तो मेरे पास रेंज आ जाता है 58. अब मेरे पास डाटा शुरू हो रहा है 2 से और ये वाइंड अप हो रहा है, एंड हो रहा है 60 पे. ये बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, तो मैं इनको उस तरह से नहीं लिख सकता जिस तरीके से हमने प्रीवियस एग्जाम्पल की थी. तो लिहाजा हम इसको क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे, ग्रुप्स में कन्वर्ट करेंगे. जैसा कि आपको बताया गया है कि आपने इनके दरमियान गैप जो रखना है वो 10 का रखना है. 2 से शुरू कर रहे हैं तो 2 और आगे 10 का जब गैप देंगे तो 11 आएगा. तो अक्सर स्टूडेंट इसमें गलत फहमी का शिकार ही होते हैं, ये 11 माइनस 2 करते हैं. तो जब 11 माइनस 2 करते हैं तो उन्हें 9 नजर आता है. तो ऐसा कभी भी नहीं करना, इसमें 2 भी शामिल है, इसमें 11 भी शामिल है. तो हम इसको 2 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो जब इनको काउंट करते हैं अपने फिगर्स पे तो बाकी ये 10 ही एलिमेंट्स बनते हैं. तो हमने देखना ही है अपने डेटा में 2 और 11 के दरमियान कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, वो 2, 7, 10 and 10 आ रहे हैं. और सेमेस्टर नेक्स्ट हमारे पास 12 to 21, ये भी 10 का गैप है. 22 to 31, 10 का गैप है. 32 to 41, 42 to 51 एंड 52 to 61. तो स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर हमारी वैल्यू लास्ट तो 60 थी, हम 61 पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा गैप 10 का है, इस वजह से हम यहाँ पे हैं. तो यहाँ से हमने रेंज की वैल्यू निकाली थी, के की वैल्यू तो मेरे पास 6 आया, क्योंकि मैंने 6 ग्रुप्स बनाने हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 मेरे पास ही ग्रुप्स बनेंगे. तो इसमें डाटा हमने देखा कि 12 और 21 के दरमियान ये डिजिट्स आ रहे हैं, 22 और 31 के दरमियान ये डिजिट्स आ रहे हैं, 32 और 41 के दरमियान ये डिजिट्स आ रहे हैं. दिखने में आसान से सवाल है, गलती हमसे कहाँ पे होगी, गलती हमसे यहाँ पे होगी. यहाँ पे जब हम इसकी क्लास बनाने लगेंगे तो यहाँ पे अगर आपने ठीक बना ली क्लास आगे एलिमेंट्स, फिर उसके बाद गलती का चांस यहाँ पे आता है. 2 और 11 के दरमियान हमने अपने गिवन डाटा में से तलाश करने के 2 और 11 के दरमियान कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये डिजिट ऊपर नीचे हो गया तो आपका सवाल गलत हो गया. फिर हमने इनके तादाद काउंट करना, 1, 2, 3, 4, ये 4 है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 है. तो ये है, ये मेरे पास टोटल 9 है, तो ये 5 + 8 और ये 4, 9 हो गया. ये 7 है, 5 + 7, ये मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं. 5 + 4, 9, तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं. और ये मेरे पास 1, 2, 3, 4 और ये 5, मेरे पास ये लास्ट वाला एलिमेंट है. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी एज इज आएगी पहली फ्रीक्वेंसी में और नेक्स्ट ईयर इसमें ऐड होते जाएंगे. ये 4 + 9 करेंगे और फिर 13 + 7 करेंगे और फिर 20 + 9 करेंगे और 29 + 5 करेंगे, 34 + 6 करेंगे. एक्चुअली आपके पास ये 40 के बराबर आ रहा है, आपके समेशन एफ के बराबर है. अगर मैं यहाँ पे तमाम फ्रीक्वेंसी का सम निकाल रहा हूँ तो तमाम फ्रीक्वेंसी का जो सम आता है वो मेरे पास 40 के बराबर ही आता है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट भी 40 थे. तो समेशन एफ और लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या भी 40 के बराबर होनी चाहिए. ये था टोटल मेरा क्वेश्चन. इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, कि वो हमारे पास क्या है. क्लास लिमिट की बात क्या होती है, कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन फॉर अ क्लास इन अ ग्रुप. जैसे ये मेरे पास एक क्लास है, ये 2, 11, 12, 21 ये क्लास है. तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन तो ये क्लास को रिप्रेजेंट करें. इस क्लास की सबसे छोटी वैल्यू लोअर क्लास लिमिट कहलाती है और इस क्लास की सबसे बड़ी वैल्यू 11 जो कि है ये अपर क्लास लिमिट कहलाती है. नेक्स्ट क्लास में 12 लोअर क्लास लिमिट है और 21 अपर क्लास लिमिट है. सेम एस्टर 22 लोअर क्लास लिमिट है और 31 अपर क्लास लिमिट है मेरे पास. तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन. उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्लास बाउंड्री. ये एक नया टॉपिक है, क्लास बाउंड्री. यदि रियल क्लास लिमिट्स ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज. फाइंड कैसे करते हैं, अ क्लास बाउंड्री इज ऑब्टेंड बाय एडिंग टू सक्सेसिव क्लास लिमिट्स एंड डिवाइडिंग द सम बाय 2. इस तरीके से भी लिया जा सकता है और एक और तरीका भी है, उसको हम जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लास का, कि इसको मिड पॉइंट कहते हैं. ये कैसे फाइंड किया जाता है, द एवरेज ऑफ अ गिवन क्लास
obtained by dividing the sum of upper or lower class units by 2 is called midpoint or class mark. Cumulative frequency distribution ये एक और चीज है और cumulative frequency और चीज है. A table showing cumulative frequency, वो table जिसमें हम cumulative frequencies की बात करें against upper class boundaries is called cumulative frequency distribution. अब हम अपनी exercise की तरफ आते हैं. Exercise का पहला सवाल है मेरे पास. The following data shows the number of members in various families. Construct the frequency distribution. Also find the cumulative frequency. ये data दिया कि मेरे पास इसमें total 39 elements है. सबसे पहले जब आप ये data देख रहे हैं question से इस डेटा को ध्यान से देख के लिखना है आपको. इसमें अगर कोई एक डिजिट भी ऊपर नीचे हो गया, मिस हो गया, कम लिख दिया या आपने ज्यादा लिख दिया, आपका टोटल सवाल गलत हो जाएगा. इस एक्सरसाइज के अंदर इन सवालात के अंदर सबसे पहली गलती यही होती है. उसके बाद तरीकेकार जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हम सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू तलाश करते हैं, फिर मैक्सिमम वैल्यू तलाश करते हैं, फिर रेंज फाइंड करते हैं और इसमें हम आगे ये सारा प्रोसेस करते हैं. इसकी मिनिमम वैल्यू 2 थी, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 12 है. रेंज निकालते हैं तो 12-2 10 के बराबर आता है. 10 है तो इट मींस के रेंज कम है तो इसके ग्रुप्स भी कम होंगे, रेंज ज्यादा होगी तो ग्रुप्स भी ज्यादा होंगे. हमने अब इनके दरमियान एज यानी साइज डिसाइड करना है. तो मैं देखता हूँ कि रेंज कम है तो जो ग्रुप्स होंगे उनकी तादाद भी कम होनी चाहिए. तो मैं लेट करता हूँ कि मैं 3 भी लेट कर सकता हूँ, 4 भी लेट कर सकता हूँ. अगर के मेरे पास 4 हो तो इस फार्मूले में k की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 4 या 2.5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3. तो मैंने अभी ये रिलैक्सेशन से हमने पढ़ रखा है कि 2.5 एक्चुअली 3 के बराबर होगा. तो मेरे पास एज जो होगा वो 3 होगा. 3 का गैप है 2 में, 3 आप नेक्स्ट का इजाफा करें 2, 3, 4, तो ये मेरे पास है 3 एलिमेंट ही, यानी 3 का गैप ही आ रहा है. लेकिन यहाँ पे फिर वही बता रहा हूँ कि दूसरी गलती जो बच्चा करते हैं वो समझते हैं कि शायद 3 का गैप देना है वो 2-5 करते हैं, फिर 6-9 करते हैं. तो एक्चुअली 2-5 4 एलिमेंट्स का गैप है. इसमें 2 भी इंक्लूड होगा, इसमें 5 भी इंक्लूड होगा. तो अगर हम काउंट करें 2-4 2-3-4 3 एलिमेंट आ रहे हैं. फिर सेम एज टू स्कोर के बाद 5-6-7 3 एलिमेंट, 8-9-10 3 एलिमेंट, 11-12-13 3 एलिमेंट है मेरे पास. फिर हमने देखना यह है कि अपने गिवन डेटा में 2 और 4 के दरमियान कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं. ये एलिमेंट्स 5 और 7 के दरमियान ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, 8 और 10 के दरमियान ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, 11 और 13 के दरमियान ये एलिमेंट्स आ रहे हैं. तीसरी गलती जो यहाँ पे हो सकती है वो ये जज करना, ये पहचान करना कि 2 और 4 के दरमियान कितने एलिमेंट्स और कौन कौन से आ रहे हैं. ये एलिमेंट्स हम ध्यान से देखेंगे, वहाँ से फ्लैश करेंगे, पकड़ेंगे इनको. अगर आपसे कोई एलिमेंट मिस हो गया तो आपका पूरे का पूरा सवाल गलत हो जाएगा. फिर आपने देखना यह कि इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स से और 5 के रिमार्क से, तो फ्रीक्वेंसी 10 है. नेक्स्ट में 13 एलिमेंट्स है आपके पास, 5 भी है आपके पास, 5 भी है और ये 3. नेक्स्ट में आपके पास ये टोटल 13 एलिमेंट्स है, 5 + 5 एंड नेक्स्ट 3 13, इसमें 3 एलिमेंट्स. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 ये ऐड जाएगा. इस 10 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे तो 23 देता, और इस 23 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं तो ये 36 देता, और 36 को नेक्स्ट 3 में ऐड करते हैं तो 39 देता है. अब आप अगर समेशन एफ फाइंड करें, आपका समेशन एफ भी 39 ही होगा. अगर आपका समेशन एफ और आपकी जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट आंसर आ रहे हैं अगर वो डिफरेंट हो, इट मींस कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जीत गई. नेक्स्ट हम समार सिलेबस के मुताबिक इसके क्वेश्चन पर तो ये डाटा दिया गया. हमने सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू तलाश करनी है, फिर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कहाँ तक जाना है हमने, और एज हमें दिया गया 100 के बराबर है. हमने देखना है कि 100 का गैप देख के हम कितनी क्लासेस बना सकते हैं. डायरेक्ट अब हम इसको लेके चलते जाएंगे. मैं डायरेक्ट टेबल पे ही जाता हूँ क्योंकि मिनिमम वैल्यू मेरे पास 450 है. 100 का गैप देते हैं तो वो 549 देता है. तो एक गलती यहाँ पे स्टूडेंट ये भी कर जाते हैं कि 450 से 550 तक जाते हैं तो वो 101 का गैप बन जाएगा. तो पहली गलती यहाँ पे ये की जाती है. तो 450 टू 549 का गैप ये 100 है, और 550 टू 649, 650 टू 749, सेम एज इट इज हम चलते जाएंगे. अब हमने देखना है कि 450 और 549 के दरमियान आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं. तो इस डाटा में हमने देखा तो वो 2 वैल्यूज मुझे मिली, और 550 और 649 के दरमियान ये 2 वैल्यूज मिली, और 650 और 749 के दरमियान ये 4 वैल्यूज आ रही हैं. 750 टू 849 में ये वैल्यूज आ रही हैं,
850 टू 949 में ये वैल्यूज आ रही हैं, 950 टू 1049 में ये वैल्यूज आ रही हैं, 1050 से 1149 के दरमियान ये वैल्यूज आ रही हैं, 1150 से 1249 में ये वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। मैं इनकी तादाद काउंट करता हूँ, ये दो है तो दो टैली मार्क लगेंगे, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर फोर है, यहाँ पर मेरे पास फाइव है, तो यहाँ पर फाइव का हिस्सा से फोर के बाद एक और टैली लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट में थ्री है, नेक्स्ट में मेरे पास फोर है, यहाँ पर फाइव है, ये फाइव है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास पहली टू एज इट इज आती है, और टू के बाद इसको नेक्स्ट में ऐड करते हैं तो ये फोर देता है, इस फोर को नेक्स्ट में ऐड करते हैं तो एट देता है, इस एट को फाइव में ऐड करते हैं तो थर्टीन देता है, थर्टीन को थ्री में ऐड करते हैं तो सिक्सटीन देता है, सिक्सटीन को फोर में ऐड करते हैं ट्वेंटी देता है, ट्वेंटी को फाइव में ऐड करते हैं ट्वेंटी फाइव देता है, ट्वेंटी फाइव को हम इसमें फाइव में ऐड करते हैं तो ये थर्टी देता है। अगर आप यहाँ पे समेशन एफ फाइंड करें तो समेशन एफ आपके पास सबको अगर ऐड करें ये ऐड करने के बाद ये थर्टी भी देते हैं आपका समेशन एफ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर लोअर क्लास लिमिट में 0.5 सबट्रैक्ट करें और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करें। जब मैं 450 में से 0.5 सबट्रैक्ट करता हूँ तो देता है 449.5 और ये 0.5 में नेक्स्ट में ऐड करता हूँ तो देता है 549.5। नेक्स्ट क्लास में भी यही काम करेंगे, लोअर में से 0.5 सबट्रैक्ट अपर में 0.5 ऐड करेंगे, नेक्स्ट में लोअर में 0.5 सबट्रैक्ट अपर में 0.5 एज इट इज, सब में ऐसे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज गौर से देखनी है कि यहाँ पर पहली क्लास बाउंड्री की अपर क्लास बाउंड्री और दूसरी क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री ये दोनों सेम आ रही होंगी, सब में सेम आनी चाहिए, पहली की अपर क्लास बाउंड्री दूसरे की लोअर क्लास बाउंड्री, नेक्स्ट की लोअर क्लास बाउंड्री उससे अगले की, नेक्स्ट की अपर क्लास बाउंड्री और नेक्स्ट की लोअर क्लास बाउंड्री अगर ये सेम आती जा रही है इट मीन्स की आपकी क्लास बाउंड्रीज बिल्कुल ठीक है। इसके साथ हमारी ये पहली एक्सरसाइज खत्म हुई, ये लेक्चर दोबारा अपलोड करने की वजह ये है कि हमारे पहले दो लेक्चर्स में साउंड इशू था, आई होप सो कि इसमें कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।